हो, मैं कनिका त्यागी हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो जान जाओगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं रोज वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ और आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ और मेरी लाइफ के बारे में भी। सो ये सब जो है सामान आप देख रहे हो ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाया है। सो सारा सामान डिलीवर्ड हो गया है एंड मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ये सामान मैंने कौन कौन सी वेबसाइट से मंगवाया है और कैसा आया है, क्वालिटी, इनका प्राइस, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं फिर। ओके सो सबसे छोटी चीज से सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंड ये है माइक्लेम का लिप बाम। मैं हमेशा से इसी लिप बाम को यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इससे पहले जो मैं शेड यूज कर रही थी वो पिंक में था एंड ये है ऑरेंज क्रश, ऑरेंज कलर में है, बहुत ही लाइट सा ऑरेंज है। सो आई लव इट। सो लिटरली मुझे ये वाला शेड ज्यादा पसंद आया एंड माइक्लेम के वैसे तो सभी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, आज से मैंने जितने यूज किए मुझे बहुत अच्छे लगे हैं एंड ये वाला मेरा फेवरेट है। बाकी इसका जो MRP है वो 345 रुपीज है, बट ये मुझे ओनली 99 रुपीज में मिला है। तो आप सोचोगे कि कैसे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक से जाके चेक कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि मुझे 99 रुपीज में कैसे मिला है। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। सो ये ऐसा है एंड वैसे मैंने हल्की हल्की लिपस्टिक लगा रखी थी एंड ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है, पूरा दिन ये लिप्स पे बना रहता है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट लिप बाम है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। तो इस लिप बाम की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि इससे जो लिप्स का नेचुरल कलर है वो डल नहीं होता है, जो आपके लिप्स का नेचुरल कलर होता है वो हमेशा रहता है। सो आई लाइक दिस लिप बाम। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ एक साड़ी जो कि मैंने मंगवाई है मीशो से। ये है वो साड़ी जो कि मीशो से आई है एंड इसका जो फैब्रिक है वो आई थिंक कुछ सिल्क ब्लेंड में है एंड इसकी क्वालिटी लिटरली मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है इसकी क्वालिटी, क्योंकि जब आप इसका प्राइस सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, मतलब सुनोगे नहीं देखोगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस चेक करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस मुझे इसका याद नहीं है। इसमें कहीं पे भी कोई भी डैमेज नहीं है, कहीं से कलर फेड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। इसकी जो लेंथ है वो एकदम प्रॉपर है एंड आई थिंक इसके अंदर ब्लाउज पीस भी दिया हुआ है इन्होंने। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ये इसका पल्लू वाला जो पार्ट होता है वो है। सो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी मुझे ये। अगर आप या कोई आपके नॉन में डेली यूज में साड़ियाँ पहनना पसंद करता है तो ये आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगी मुझे ये। सो नेक्स्ट भी है एक साड़ी जो कि मैंने ये वाली भी मीशो से ही मंगवाई है एंड ये वाली भी इसकी तो पैकेजिंग भी इतनी ज्यादा अच्छी थी, पूरा ऐसे रैप वैप करके दे रखा था इन्होंने। सो ये भी बहुत ज्यादा प्यारी साड़ी है एंड ये भी सिल्क में है, सिल्क ब्लेंड वाला जो फैब्रिक आता है वो है। एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली वाला सिल्क आता है, एक थोड़ा कम प्राइस वाला सिल्क आता है, तो ये वो वाले सिल्क हैं। बट देखने में ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि चीप है, बिल्कुल सस्ता है, ये देखने से पता नहीं चल रहा है कि मतलब ये इतने कम प्राइस में है। फेक एक्सपेंसिव जो मैं वर्ड हमेशा यूज करती हूँ तो मैं वही इसको बोलूंगी, फेक एक्सपेंसिव। सो ये फेक एक्सपेंसिव ही है एंड हो सकता है कैमरा में आपको ये चीज में थोड़ा ज्यादा शाइन दिखे, बट रियल में इसमें बहुत ज्यादा शाइन नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा प्यारी है, इसमें भी कहीं पे कोई भी डैमेज नहीं है, कहीं से कोई कलर फेड नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी इशू इसमें नहीं है, प्रॉपर लेंथ इसकी दी हुई है, इसके अंदर भी ब्लाउज पीस इन्होंने दिया हुआ है। तो काफी ज्यादा अच्छी लगी ये साड़ी भी मुझे एंड ये भी मतलब डेली पर्पज से आप बोल सकते हो, या फिर मतलब ऐसे ही जिन लोगों को साड़ी पहनना होता है, मतलब ऐसे ही किसी एक फेस्टिवल पे इसको डाल लिया, उस तरह से ये वाली साड़ियाँ बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में एकदम फेक एक्सपेंसिव वाली साड़ियाँ मुझे मिली। सो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो ड्रेस मैंने मंगवाई है। एक्चुअली ये एक ड्रेस है, मैं इसको पूरा आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे ये अभी पहननी है एंड अगर मैंने ये रिवील कर दी तो ये मतलब सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको ये ड्रेस दिखेगी, किसी व्लॉग में आपको दिख सकती है। सो बेसिकली ये एक जंप सूट है, एथनिक जंप सूट हम इसको बोल सकते हैं एंड ये मस्टर्ड येलो कलर का है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, जॉर्जेट का इसका फैब्रिक है एंड ये इंडिया ब्रांड का है, INDYA इंडिया, जो हाउस ऑफ इंडिया डिजाइनर है
ये उनका है एंड मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदा है। सो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है इसकी क्वालिटी, काफी ज्यादा नहीं मतलब आज तक मैंने जितनी भी ड्रेसेस खरीदी हैं चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो ये मेरी बेस्ट वाली है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इसका फिट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मैंने इसमें ऑर्डर किया था कुछ दिनों बाद, अभी मैं इसको पहन लूँ पहले, उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा दूंगी आपको, आप भी अगर परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। तो जो प्राइस है वो भी 2000 के आसपास है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली तो ये काफी थी बट मैंने सेल में इसको खरीदा है सो मुझे ये काफी कम प्राइस में मिल रही है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल रही है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जिस चीज ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, दिखाती हूँ एक ड्रेस जो मैंने अपने एक्चुअली हस्बैंड के लिए मंगवाई थी और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने उनसे बिना पूछे कुछ मंगवा लिया और वो खराब आ गया। मतलब खराब नहीं है बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना प्राइस हमने उसका पे किया था। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगवाया था एंड मंगवाई थी, तो जब मैं ये देख रही थी तो मुझे ये वाला आउटफिट भी बिक गया जो मेंस में जो मेन सेक्शन में दिख रहा था एक्चुअली, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा होगा। तो मैंने इस पर रिव्यूज़ वगैरह भी चेक किए तो काफ़ी मतलब सही थे रिव्यूज़ वगैरह, हर चीज़ सही थी और बहुत ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखने में अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसकी जैकेट है, इसके अंदर येलो ही कलर का मस्टर्ड कलर का कुर्ता एंड पजामा है। तो जैकेट तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसकी क्वालिटी जैकेट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो कुर्ता पजामा है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो कुर्ता है उसके अंदर इन्होंने अस्तर नहीं दिया हुआ है, तो जैसे कि अभी समर्स हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो इसका कुर्ते का फैब्रिक है वो सिल्क वाला फैब्रिक है तो वो आपको कहीं ना कहीं चुभता है, तो इसके लिए आपको कॉटन का अस्तर उसके अंदर चाहिए होता है। तो अगर अस्तर होता है तो आप उसे कंफर्टेबली समर्स में पहन सकते हो, बट ऐसा इसके अंदर नहीं है। सो इस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट मुझे यहाँ पे हो गया, मैंने इसका रिटर्न डाला हुआ है, रिटर्न हो जाएगा आई एम श्योर। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, सो ये मैंने मंगवाया है मिंत्रा से एंड दीज आर द हील्स। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है और हील्स आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा है, मतलब मुझे ना मतलब मुझे एज ए कम्फर्टेबल वाली जो ये वाली हील होती है ना, ये वाली मुझे हील्स ज़्यादा में पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मुझे हील्स पहनना पसंद नहीं था बट अभी मुझे कुछ टाइम से हील्स पहनना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो ये जो हील्स हैं ये ज़ैप्टोस करके कोई ब्रांड है, ज़ैप्टोस मिंत्रा पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू है इस ब्रांड के, सो उनकी ये हील्स हैं एंड मैंने इसमें 37 साइज मंगवाया था, इस पर MRP 3000 लिखा हुआ है बट मुझे ये ओनली 1000 रुपीज़ में मिली है। सो आई डोंट थिंक सो कि बुरी डील थी क्योंकि कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है एंड ये कलर आई थिंक पीच है, पीच कलर इसको बोलते हैं थोड़ा, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा भी कुछ और हील्स मैंने मिंत्रा पे विशलिस्ट की हुई है, उनको मैं फ्यूचर में मंगाने वाली हूँ, सो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको कुछ पसंद आता है और आपको जरूरत है तो आप भी ले सकते हो। सो ये थी मेरी आज की शॉपिंग वाली वीडियो एंड ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एंड सब कुछ ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मुझे विंडो शॉपिंग करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मार्केट में जाओ धक्के खाओ और फिर भी सच में तो कुछ नहीं मिलता है, तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सी शॉपिंग पसंद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं अपनी डेली लाइफ की अपडेट्स देते रहती हूँ। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है flon.u, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई होप कि आपको मेरा ये शॉपिंग कलेक्शन पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।